हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूईटी में कौन कौन से कॉलेज हैं जो सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस कंडक्ट करवाएंगे 2022 में, और इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, कॉलेज की लिस्ट आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, और हम बताएंगे कि उस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं और कॉलेज की रैंकिंग कितनी है। उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में प्लेसमेंट डिटेल के बारे में, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है और एवरेज पैकेज कितना गया है उस कॉलेज का। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंड तक देखने के बाद आज आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन से कॉलेज से आपको बीटेक करना चाहिए और कौन से कॉलेज से आपको बीटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई के अलावा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ का भी आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बैकअप ऑप्शन है और एएमयू अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे ही ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, पहले ये खुद कंडक्ट करवाते थे, इस बार ये सीयूईटी 2022 के थ्रू कंडक्ट करवाएंगे। तो आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करके सारे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन बात करते हैं सारे कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि डीयू के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो ब्रांच है वो है आईटी एंड एमआई, मैथमेटिकल इनोवेशन, और आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डीयू में सिर्फ दो ब्रांच है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं, और इसकी जो डीयू की ओवरऑल रैंकिंग है यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिला करके इसकी रैंकिंग है 19, और अगर हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें उसमें है 12। ठीक है, आप इंजीनियरिंग रैंकिंग की भी बात कर सकते हैं, इंजीनियरिंग रैंकिंग है इसकी 36, यानी कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ठीक है, और इसका जो हाइएस्ट पैकेज है ये हम बात करेंगे LPA यानी कि लैक्स पर एनम, यानी कि 24 लाख पर ईयर, 24 लाख पर ईयर हाईएस्ट पैकेज गया है डीयू का। ठीक है, और अगर हम एवरेज पैकेज बात करें डीयू का तो वो है 10 लाख पर एनम। उसके बाद हम बात करें कि फीस कितनी है डीयू की, तो बहुत ही कम फीस है, सिर्फ 18,333 रुपीज़ है पर ईयर। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप जेई मेंस या फिर जेई मेंस में अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो डीयू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। ठीक है, सीयूईटी के थ्रू कंडक्ट कराएगा, और इसमें आपको किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो आप देख सकते हैं, आपको जब सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा तो डीयू आप सेलेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट में कौन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है सेक्शन 1 से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक से आपको मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो इसमें मैंने रैंकिंग बहुत सर्च किया लेकिन रैंकिंग मिल नहीं पाया, मैं NIRF की वेबसाइट पे गया और वहां पे मैंने ओवरऑल सर्च किया लेकिन इसकी रैंकिंग दिखा नहीं रहा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पैकेज की। तो इसका एवरेज पैकेज गया है 2.5 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो 1.4 लाख पर एनम। ठीक है, और फीस अगर देखा जाए तो 2,45,000 पर ईयर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फीस है। और इसमें जो ब्रांचेज है वो है CSE और EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, और आपको इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं CUET के फॉर्म में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यानी कि सेक्शन 2 में से आपको ये 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की। तो इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 10th है, और यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये 3rd है। आप इंजीनियरिंग की भी रैंकिंग जाकर के देख सकते हैं, बहुत ईजी है देखना, गूगल पे देखेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। हाइएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो गया है 10 लाख पर एनम, और अगर एवरेज पैकेज की हम बात करें तो 6 लाख पर एनम। ठीक है, और अगर फीस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 38,000 फीस है, और इसके लिए आपको जो टेस्ट में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इसमें भी PCM सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो इसकी ओवरऑल रैंकिंग है वो है 52, और यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये है 31, और अगर हाईएस्ट पैकेज की हम अगर बात करें तो ये है 12 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज जो इसका गया है वो है 10 लाख पर एनम। ठीक है, और इसकी जो फीस है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 1.2 लाख पर ईयर है, तो एक ये अच्छा बैकअप ऑप्शन है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको क्या करना है कि फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, और या फिर ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो लेना ही लेना, और ये बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स इसमें से आप ले सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये मैंडेटरी है। ठीक है, और केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है,
और आगे हम बात करते हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसमें जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और इसका जो एवरेज हाईएस्ट पैकेज गया वो 5 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज 2.5 लाख पर एनम, ठीक है। और जो फीस है ये 80,000 पर एनम है। और इसमें जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उर्दू आपको जरूर सेलेक्ट करना है पहले में से, डोमेन लैंग्वेज में से। उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको डोमेन सेकंड में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको उर्दू नहीं आता है तो फिर आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं, यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और इसकी जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 6 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज है 3 लाख पर एनम, और जो फीस है वो नॉर्मल है 34,500, ठीक है। और इसमें जो ब्रांच है वो है सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस, सी सिविल इंजीनियरिंग, ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी। इसमें आपको अलग से बीटेक करने का नहीं मौका दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड कोर्स है यानी कि बीटेक प्लस एमटेक कोर्स यहां पे आपको मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। और इसमें आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो पीसीएम सेलेक्ट करना है, यहां पे सिंगल बीटेक नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, देखिए मैंने लिख दिया यहां पे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, और इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 4.5 और जो एवरेज पैकेज है वो है 2.5। और अगर हम ब्रांच की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दो ब्रांच है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से। और जो इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हाईएस्ट पैकेज इसका गया है 4 लाख और एवरेज पैकेज है 2.5 लाख। जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको सेलेक्ट करना है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो फीस है इसकी वो है 88,000 पर ईयर। उसके हम बात करते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में, तो नागालैंड यूनिवर्सिटी जो है इसका हाईएस्ट पैकेज है 4.5 और जो एवरेज पैकेज है वो 3 लाख पर एनम और जो फीस है वो है 83,000, ठीक है। तो इसमें जो ब्रांचेज हैं वो है सीएसई कंप्यूटर साइंस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप सीएसई आईटी ईसी ले रहे हैं इसके लिए आपको पीसीएम सेलेक्ट करना है, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको पीसीएम भी लेना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं अगर है आईआईएमटी, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी देखना है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है तो वो सीवीटी के वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकता है। और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं आईआईएमटी, तो आईआईएमटी का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 30 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज है 3 लाख पर एनम। इसकी जो फीस है वो है 72,000 और जो ब्रांच है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं वो है सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीई सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एआई और इसके साथ में सीएस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सीएस साइबर सिक्योरिटी, ये इसमें भी आप बीटेक कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको पीसीएम सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं वो है तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, और इसमें हाईएस्ट पैकेज है 12 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज है 4 लाख पर एनम। और ब्रांचेज अगर हम बात करें तो वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको टेस्ट के लिए जनरल टेस्ट ओनली सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो आपका ब्रांच है वो है एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी और हाईएस्ट पैकेज है 14 लाख पर एनम और जो एवरेज पैकेज है वो है 6 लाख पर एनम और जो फीस है वो है 2.46 लाख पर ईयर, ठीक है। और जो इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री सेलेक्ट करना है या उसके बाद बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से एक सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल और एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और इसमें जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 12 लाख पर एनम और हम एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 4 लाख पर एनम है और फीस जो है अबाउट टू बी 90,000 से 1.15 लाख के बीच में, इसलिए मैंने 1 लाख अराउंड लिख दिया है। और जो इसमें ब्रांच है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसमें आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स ये सारी यूनिवर्सिटी थी, इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया आपको कि पैकेज कितना है और ब्रांचेज कौन सी है। तो अगर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी आपको अच्छा लगा है, जिस भी ब्रांच में आप बीटेक कर सकते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम और डिटेल में बात करेंगे सीयूटी के बारे में, और भी जो कॉलेज होंगे उसके बारे में बात करेंगे, बीसीए हो गया और एमसीए होगा, जो भी कोर्सेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।